हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग देखें एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 8 to 11। ओके, इसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगा। यहाँ पे भी देखो एक्स और वाई दो आपके पास वेरिएबल्स दिए हैं और दोनों जो है एक दूसरे से पैरामेट्रिकली कनेक्टेड है और हमें डीवाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि एक्स को का डिफ्रेंसिएशन टी के रिस्पेक्ट में करेंगे ये पूरे टर्म को, और इधर वाई बराबर जो दिया उसे भी टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएट करेंगे और फिर फाइनली डीवाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। तो देखो बच्चों, एक्स बराबर यहाँ पर क्या कह रहा है 8 में, ए इंटू कॉस टी प्लस लॉग 10t/2। ठीक है, तो डायरेक्ट इसको मैं डिफ्रेंसिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू टी। तो देखिए डीएक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ए डी कॉस टी डिवाइडेड बाई डी टी प्लस डी लॉग 10t/2। किसके रिस्पेक्ट में होगा? डी 10t/t के रिस्पेक्ट में, और फिर डी 10t/2 डी t/2 के रिस्पेक्ट में, और फिर डी t/2 dt के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, a cos t का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन t होता है, log log का 1/x होता है, तो यहाँ पे 1/10t/2 हो जाएगा और 10 का sec स्क्वायर होगा तो sec स्क्वायर t/2 और यहाँ पे t का 1 तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 into t, 1/2 बाहर t का 1 निकल गया। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, माइनस साइन t, यहाँ देखो बच्चों क्या लिखेंगे, 1/sin t/2 बाय cos t/2 हो जाएगा, 10t/2 को लिखेंगे इंटू sec स्क्वायर को लिख दो 1/cos2t/2 इंटू, देखो बच्चों 1/2, देखो ए को cos से ए को cos क्या होगा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो a इंटू माइनस साइन टी, यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है 1/2, ये 2 लिख देते हैं इसको और 2 sin t/2 इंटू cos t/2। अब देखो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा होगा, तो यहाँ पे साइन टू इंटू थीटा, तो थीटा जो है t/2, तो साइन t बच जाएगा, नहीं तो सॉरी यहाँ पे नीचे में आएगा ना, 1/2 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 2 sin t/2 cos t/2 को क्या लिखेंगे साइन t। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर एलसीएम ले लो साइन t, ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1। ठीक है, 1 - sin2t क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर टी, तो देखिए इसलिए dx बाय डी टी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, a इंटू कॉस स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय साइन टी। ठीक है, अब देखिए कॉस बाय साइन कॉट कर लो, तो a कॉट टी इंटू एक और क्या हो जाएगा कॉस टी। नाउ वाई इज इक्वल टू, देखिए क्या दिया है, वाई इज इक्वल टू दिया है ए साइन टी। अब डिफ्रेंसिएशन फिर से कीजिए विद रिस्पेक्ट टू टी, देखिए क्या करेंगे, डीवाई बाई डी टी इज इक्वल टू ए बाहर है तो डी साइन टी बाय डी टी, देखो ए इंटू साइन टी का कितना हो जाएगा कॉस टी ना, साइन टी का कॉस टी, इसलिए डीवाई बाई डी एक्स अगर फाइंड करना है हमें तो डीवाई बाई डी टी में dx by dt से डिवाइड करेंगे। तो देखिए बच्चों dy by dt कितना दिया है, a कितना हम लोगों ने निकाला है, a cot t into cos t डिवाइडेड बाय a cos t, देखो a से a गया cos से cos गया, तो आंसर आ गया बच्चों cot t, तो यही आंसर हो जाएगा dy by dx। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, नोट कर लेंगे इसको। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 कैसे बनाएंगे, 9 में दे रहा है x इज इक्वल टू a sec थीटा, तो चलो इसको आप डिफ्रेंसिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंसिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये देखो dx by d थीटा होगा, यहाँ a d sec थीटा बाय डी थीटा, तो देखिए ए sec थीटा का डिफ्रेंसिएशन आपने पढ़ा है sec थीटा इंटू 10 थीटा, तो ये हो जाएगा sec थीटा इंटू 10 थीटा। नाउ वाई इज इक्वल टू क्या दिया है, वाई इज इक्वल टू देखो दिया है बी 10 थीटा, तो डिफ्रेंसिएशन कीजिए विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या हो जाएगा डीवाई बाय डी थीटा बराबर बी बाहर रखो डी 10 थीटा बाय डी थीटा,
देखिए बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, बी टेन थीटा का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसलिए डीवाई बाई डी एक्स निकाल लो। तो डीवाई बाई डी एक्स देखिए क्या होगा, डीवाई बाय डी थीटा में डिवाइड कर दो डीएक्स बाय डी थीटा से। देखो डीवाई बाय डी थीटा हो गया बी सेक स्क्वायर थीटा, और डीएक्स बाय डी थीटा हो गया ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है। तो देखो एक तो सेक थीटा कैंसिल, तो यहाँ पे डी बाय ए हो जाएगा इंटू सेक थीटा, टेन थीटा ऊपर जाएगा बच्चों, तो क्या होगा कॉट थीटा, तो यही आंसर हो जाएगा। ओके चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10 में देखो एक्स इक्वल टू दिया है ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, तो हम लोग इसको डिफ्रेंसिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो जब थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएट करेंगे तो देखिए क्या होगा, डीएक्स बाय डी थीटा इज इक्वल टू ए बाहर रखो डी कॉस थीटा बाय डी थीटा। अब देखो यहाँ पे यू इंटू वी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएट करना, तो कर्ली ब्रैकेट ले लेते हैं, तो डी थीटा बाय डी थीटा इंटू साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा बाय डी थीटा इंटू थीटा ब्रैकेट क्लोज। तो ए कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन बच्चों साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे वन इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा इंटू थीटा। देखो ए हो जाएगा कितना माइनस साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ पर यहाँ देखो प्लस साइन थीटा, और ये प्लस इंटू प्लस प्लस ही रहेगा, तो थीटा पहले लिख दो कॉस थीटा, तो इससे ये देखो कैंसिल हो गया, तो ए थीटा कॉस थीटा ये निकल गया डीएक्स बाई डी थीटा का मान। नाउ वाई बराबर देखिए क्या है, ये किसका निकला डीएक्स बाय डी थीटा, वाई बराबर देखो क्या है ए साइन थीटा ए इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे भी आप डिफ्रेंसिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो देखिए क्या लिखेंगे, डी वाई बाय डी थीटा इज इक्वल टू ए बाहर रखिए, यहाँ हो जाएगा डी साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन डी थीटा के रिस्पेक्ट में, और फिर कर्ली ब्रैकेट ले लो यू इंटू वी पे इसको भी ब्रेक करो डी थीटा बाय डी थीटा इंटू कॉस थीटा, अब प्लस हो जाएगा बच्चों डी कॉस थीटा बाय डी थीटा इंटू थीटा। देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए साइन थीटा का कॉस थीटा, ये वन इंटू क्या होगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा इंटू थीटा। तो देखो इसको क्या लिखिएगा, यहाँ पे कॉस थीटा हो गया, ये माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना, और ये माइनस मिलके प्लस थीटा साइन थीटा, तो देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा गया तो ए थीटा साइन थीटा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, डीवाई बाय डी एक्स, यहाँ पे मैं निकाल दे रहा हूँ, तो डीवाई बाय डी एक्स जो होगा डीवाई बाय डी थीटा बाय डी एक्स बाय डी थीटा। तो देखो डीवाई बाय डी थीटा कितना लिया है, ए थीटा साइन थीटा, और डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी थीटा, देखो ए थीटा कॉस थीटा, देखो ए थीटा गया, तो आंसर आ जाएगा बच्चों टेन थीटा। इस तरीके से बनाएंगे हम लोग, चलो मैं इरेज कर रहा हूँ, नोट कर लेंगे आप, या देखो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हो गया 11 8 9 10। चलिए 11 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, x बराबर दिया है अंडर रूट ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, और हम फिर इसे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, पहले dx बाय dt निकालना होगा ना, और यहाँ से dy बाय dt, तभी तो प्रूफ करेंगे dy बाय dx बराबर माइनस y बाय x। तो देखो ये क्या होगा, dx बाय dt इज इक्वल टू डी अंडर रूट ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, किसके रिस्पेक्ट में ए साइन इनवर्स टी के रिस्पेक्ट में, फिर देखो डी ए साइन इनवर्स टी किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे, तो साइन इनवर्स टी के रिस्पेक्ट में, और फिर डी साइन इनवर्स टी डी टी के रिस्पेक्ट में। इस तरह से हम लोग फंक्शन टू फंक्शन डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखो ये रूट का क्या होता है, वन बाय टू रूट एक्स, वन बाय टू अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी। ओके थंडरिंग, देखो ए साइन इनवर्स टी का क्या होगा, ए पे पावर एक्स का ए पे पावर एक्स लॉग ए होता है, तो ए पे पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए हो जाएगा,
और साइन इनवर्स टी का देखो 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। इसको कैसे लिखिएगा, ए टू द पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए, और ये हो जाएगा 2 अंडर रूट ए। अच्छा इसको यहां से पहले कैंसिल कर देते, देखो ये रूट में है ये बगैर रूट में, तो इससे ये कैंसिल होगा तो अंडर रूट ए टू पावर साइन इनवर्स टी हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे देखो एक्स में रूट एक्स से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, रूट एक्स होगा ना, उसी तरह की है। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए पे पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए, और डिवाइडेड बाय देखो 2 हो गया इंटू अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ये किसका वैल्यू निकला, डीएक्स बाय डीटी का, ठीक है। नाउ वाई इज इक्वल टू, देखो वाई इज इक्वल टू दिया है अंडर रूट ए पे पावर कॉस इनवर्स टी, तो इसका भी डिफ्रेंसिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो देखिए क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी अंडर रूट ए पे पावर कॉस इनवर्स टी, किसके रिस्पेक्ट में करोगे, तो डी ए पे पावर कॉस इनवर्स टी के रिस्पेक्ट में, और फिर डी ए पे पावर कॉस इनवर्स टी किसके रिस्पेक्ट में, डी कॉस इनवर्स टी के रिस्पेक्ट में, और फिर डी कॉस इनवर्स टी किसके रिस्पेक्ट में, डी टी के रिस्पेक्ट में। तो देखिए क्या करेंगे, रूट का यहाँ पे फिर डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 1 बाय 2 अंडर रूट एक्स को एक्स की जगह पे ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी, फिर देखो ए पे पावर एक्स का डिफरेंसिएशन ए पे पावर एक्स लॉग ए होता है, तो यहाँ पे ए पे पावर कॉस इनवर्स टी हो जाएगा और इंटू लॉग ए हो जाएगा, और कॉस इनवर्स टी का डिफरेंसिएशन माइनस 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर होगा, ओके माइनस 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो देखो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे फिर इसको कैंसिल करेंगे, तो ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी, देखो फिर एक्स में रूट एक्स से जिस तरह डिवाइड करते हैं तो रूट एक्स बचता है, तो यहाँ पे ए कॉस इनवर्स टी में अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी से डिवाइड कर दिए तो अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी बचा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी, ए टू द पावर है यहाँ पे इंटू लॉग ए, अब अट्टा क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये माइनस है तो आगे लग जाएगा, तो ये वैल्यू निकल गया बच्चों डीवाई बाय डी टी का। इसलिए डीवाई बाय डी एक्स हमें प्रूफ करना है, तो डीवाई बाय डी एक्स क्या होगा, डीवाई बाय डी टी में डीएक्स बाय डी टी से डिवाइड करेंगे, तो डीवाई बाय डी टी देखो क्या है, माइनस अंडर रूट ए पे पावर कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ए डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। फिर डीएक्स बाय डी टी देखो यहां से लिखेंगे अंडर रूट ए टू द पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए और अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो देखो अब कैंसिल कौन कौन होगा, लॉग ए से लॉग ए गया, ये पूरा टर्म गया, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस अंडर रूट ए पे पावर कॉस इनवर्स टी अब बटा ए पावर साइन इनवर्स टी अंडर रूट में। अब देखिए ए अंडर रूट ए कॉस इन टू द पावर कॉस इनवर्स टी का मान क्या है वाई, और यहाँ पे अंडर रूट ए पे पावर साइन इनवर्स टी का मान क्या है एक्स, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या प्रूफ हो गया, माइनस वाई बाय एक्स, यही हमें क्या करना था, ठीक है। आप चाहो तो बगल में लिख देना, क्योंकि वाई बराबर अंडर रूट ए पे पावर कॉस इनवर्स टी एंड एक्स बराबर अंडर रूट ए पे पावर साइन इनवर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा, थैंक यू।